और शायर कहता है, और शायर कहता है कि जौक बन गया, इसको बढ़ाना है, क्योंकि बाद में कारी साहब ने आना है, इसको बढ़ाना है। और बढ़ाना कैसे है? बढ़ाना कैसे है? ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर मुतुलते का जिक्र इस अंदाज से किया शायर ने, कहता है ये आखिरी अशआर कि मंग तू पे नजर बाबा गंज शकर, मंग तू पे नजर बाबा गंज शकर आबाद रहे तेरा पाक पतन, मंग तू पे नजर बाबा गंज शकर आबाद रहे तेरा पाक पतन, ख्वाजा कुतुब के नूर नजर है, ख्वाजा कुतुब के नूर नजर आबाद रहे तेरा पाक पतन, है ख्वाजा कुतुब के नूर नजर आबाद रहे तेरा पाक पतन, तेरी दीद को बाबा तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब तुझको फरीद फरीद कहे, सब तुझको फरीद फरीद कहे, सब तुझको फरीद फरीद कहे, देते हैं सजा जाए कलियर, देते हैं सजा पा जाए कलियर आबाद रहे तेरा पाक पतन, आबाद रहे तेरा पाक पतन, बाबा जी दिल दिल पहले गाना कलियों में, मुझे रहने दे इन गलियों में, मुझे रहने दे इन गलियों में, तुझ पर है फिदा दिल जान जिगर, तुझ पर है फिदा दिल जान जिगर आबाद रहे तेरा पाक पतन, आबाद रहे तेरा पाक पतन, आबाद रहे तेरा पाक पतन, हाजिर शकील भाई आखिरी शेर। और अपने सामने बैठे हुए भैया से मैं माजरा चाहता हूँ, इनकी एक फरमाइश है, इनकी एक फरमाइश है, और मैं अधूरी इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ ताकि अगले साल भी हाजिरी हो, ताकि अगले साल भी हाजिरी हो, क्योंकि सियालकोट में एक महफिल में तमाम फरमाइशें कारी साहब मैंने पूरी कर दी थी, और 10 साल हो गए दोबारा नहीं बुला रहे। अब इसलिए हर शख्स की ख्वाहिश पूरी करना अपने लिए ठीक नहीं है, इसलिए भैया से माजर चाहते हुए ये आखिरी शेर ख्वाजा ख्वाजगान की बारगाह में मारूजे की सूरत में आखिरी शेर कहते हैं, हाजिर है हाजिर दर पर दीवान या गंजे शकर अब तो जाने, बाबा गंजे शकर अब तो जाने, है हाजिर दर पर दीवान या गंजे शकर अब तो जाने, बाबा गंजे शकर अब तो जाने, या गंजे शकर अब तो जाने, देना करम बाबा सब पर, कर देना करम बाबा सब पर आबाद रहे तेरा पाक पतन, कर देना देना कर देना करम बाबा सब पर आबाद रहे तेरा पाक पतन, तेरा पाक पतन, तेरा पाक। क्या बात है हाजरी।